यहाँ से चुनाव प्रचार की शुरुआत कर रहे हैं क्या? जी हाँ, मैं महेश प्रसाद चौधरी, पूर्व DIG, आम आदमी पार्टी का घोषित प्रत्याशी हूँ। आज दिन शनिवार दिनांक 30/6/2018 को मैं गुरु रविदास जी महाराज का आशीर्वाद लेकर बेलखेड़ी आश्रम से अपना चुनाव प्रचार प्रारंभ कर रहा हूँ। हमारे संत बाबा नेत्राम जी, जो हमारे ज़िले के हमारे गुरु हैं, इनका आशीर्वाद हमारे साथ है और संत रविदास जी महाराज का आशीर्वाद सदा हमारे साथ बना रहेगा, यही मैं कामना करता हूँ। इस क्षेत्र के कल्याण के लिए मैं आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी बनकर इस क्षेत्र का विकास करने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ। किन किन मुद्दों पर अपन चुनाव लड़ेंगे यहाँ पर? हमारा मुख्य मुद्दा तो ये है कि जो किसानों की समस्याएं हैं, किसानों को उनकी फसल का मूल्य नहीं मिल रहा है, वो डेढ़ गुना मूल्य लागत से दिलाना है। और इसमें स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है उसको लागू करवाना है, और किसानों की जो फसल बीमा है उसको प्रारंभ करवाना है, और उनका मुआवजा जो है प्रत्येक एकड़ 20,000 के हिसाब से जो हमारी पार्टी ने निर्धारित किया है वो किसानों को दिलाएंगे। प्रमुख समस्या तो ये है। फिर क्षेत्र की जो बेरोजगारी है उसको दूर करने के लिए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे, और मजदूरों की समस्याएं, विद्यार्थियों की समस्याएं, आम जनता की समस्याएं, उनको निराकार करने का पूरा प्रयास करेंगे। क्षेत्र का पूरा विकास करेंगे। यहाँ क्षेत्र में जो पानी की समस्या है पहाड़ी क्षेत्रों में, उसको दूर करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। कहते हैं आप जब नक्सल छत्तीसगढ़ में थे तो आपने नक्सलाइटों की बहुत ज़्यादा मात्रा में समस्याएं हल करी थी। हाँ, मैं छत्तीसगढ़ में 10 साल रहा। इसमें पूरा जगदलपुर एरिया, बस्तर एरिया, अंबिकापुर, जसपुर एरिया में कई जगह SP और कमांडेंट रहा, और मैंने जो नक्सली समस्या है उसको उन्मूलन के लिए बहुत सारे काम किए। कई नक्सलियों का एनकाउंटर किया, कई को सरेंडर करवाया, और वहाँ की आम जनता को राहत दी। लगातार 10 साल मैंने नक्सली क्षेत्र में काम किया। इससे पूर्व मैंने भिंड मुरैना क्षेत्र में डाकू समस्या के खिलाफ भी अपना काम किया था, कई डाकुओं को संहार किया और कई को सिलेंडर कराया, और बहुत मैंने अच्छा काम किया। इस कारण मेरी सेवाओं को देखकर राष्ट्रपति जी ने मुझे अच्छी सेवाओं के लिए राष्ट्रपति मेडल दिया था।